नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मिक्स मेथड के बारे में। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि बैलेंसिंग मेथड क्या होता है और टोटल मेथड क्या होता है। आज हम देखेंगे दोनों को मिक्स करके, कंबाइंड करके हम मिक्स मेथड को कैसे बनाते हैं। तो ये तीनों किसके अंदर आता है? ट्रायल बैलेंस के आता है। बस इसके अलग अलग तरीके हैं बनाने के। नॉर्मली हम बैलेंसिंग मेथड को ही यूज़ करते हैं, पर आज हम सीखेंगे मिक्स मेथड कैसे बनाएं, दोनों को कंबाइंड करके कैसे हम सीखें ट्रायल बैलेंस बनाना। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिक्स मेथड का फॉर्मेट क्या होता है। तो ये है इसका फॉर्मेट, जो कि एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है। इससे पहले मैंने बताया था कि किसका फॉर्मेट ऐसे बनता है, लेकिन हम फिर से रिवीजन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे जो ये कॉलम है यानी सीरियल नंबर का कॉलम है, वो बिल्कुल सेम आपको दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? हेड ऑफ अकाउंट, तो ये भी बिल्कुल सेम है। फिर ये क्या है? लेजर फोलियो यानी LF, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं LF, पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर फोलियो। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? जो भी जिस नंबर पे पोस्टिंग की होती है जिस डायरी में, उसका पेज नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? DR और CR, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, बस एक एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया हमारा? DR और CR। अगर हम नॉर्मली देखें यहाँ पे, ये क्या है? ये हमारा हो गया मिक्स सॉरी बैलेंसिंग मेथड। और यहाँ से ये वाला देखें, ये DR और CR क्या है हमारा? टोटल मेथड। बस इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पे DR और CR बढ़ जाता है, दो बार हम लिखते हैं, क्योंकि हम इसे बैलेंसिंग और टोटल मेथड को मिक्स करके एक फॉर्मेट यहाँ पे रेडी करते हैं। इस वजह से तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सेम होगा, बस यहाँ पे जो अमाउंट डलता है वो यहाँ पे बैलेंसिंग मेथड के थ्रू डलेगा और यहाँ पे क्या डलेगा? टोटल मेथड के थ्रू। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकली कैसे हम इसे बनाएं, प्रैक्टिकली हम कैसे मिक्स मेथड को यूज़ करें, प्रैक्टिकली हम कैसे इसको अप्लाई करें और बनाएं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने आज कोई जर्नल एंट्री नहीं की है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया है? लेज़र में पोस्टिंग किया है। तो आज हम बस बैलेंसिंग करेंगे और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में चेक करेंगे हमारा बैलेंस बिल्कुल सही आया है या फिर नहीं। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर क्या पोस्टिंग हुआ है? कैश अकाउंट है यहाँ पर 2 Capital 2 Sales, उधर क्या है? 2 By Bank। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले इसको, हम इसको पहले यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये उधर By Bank है और यहाँ कितना है? 20,000 रुपये और 4,500 रुपये। तो हम यहाँ पे इसको बैलेंसिंग करें तो यहाँ पे क्या होगा? 24,500 और यहाँ पे भी 24,500। उसके बाद कितना घट रहा है यहाँ पे? तो 14,500। यहाँ पे क्या करेंगे? बाई बैलेंस CD क्यों? मैंने बताया आपको CD इसलिए क्योंकि ये क्या है हमारा, ये है कैरी डाउन यानी जो क्लोजिंग अकाउंट के अंदर होता है वहाँ पे कैरी डाउन लिखते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे? बैलेंसिंग करेंगे यानी यहाँ से इसके ऑपोजिट ओपनिंग क्लो ये ओपनिंग स्टॉक में डालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 Balance BD। ओपनिंग स्टॉक में कितना रहा है? 14,500। अब नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे है कैपिटल, जिसका अमाउंट कितना है? बाई कैश, बाकी इधर कोई भी अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग कर देंगे हम। बैलेंसिंग में कितना आएगा इधर? 20,000 रुपये, अकाउंट क्लोज। फिर यहाँ पे 20,000, अकाउंट क्लोज। 2 Balance CD, अमाउंट सेम हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं, कोई पोस्टिंग ही नहीं है। अब क्या होगा? यहाँ पे बैलेंसिंग होगा यानी यहाँ से हम यहाँ जाएंगे ओपनिंग स्टॉक, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, क्लोजिंग अकाउंट है। उसके बाहर क्या होता है? क्लोजिंग ओपनिंग अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा? बाई बैलेंस BD, सेम अमाउंट 20,000। ये मैंने पहले ही बताया, हमेशा बताया है कि जो भी CD और BD होता है उसका अमाउंट हमेशा सेम होगा, किसी भी केस में सेम होगा। फिर यहाँ पे बाई बैंक देखने को मिल रहा है, इसका अकाउंट में हम बैलेंसिंग करेंगे तो 2 Cash है। यहाँ पे क्या होगा? बाई बैलेंस CD 10,000, अकाउंट क्लोज। फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे 2 Balance BD 10,000। तो ये क्या होगा? हमारा अकाउंट ओपन हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा? परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है? पोस्टिंग 2 Krishna 5,500 रुपये की। यहाँ भी क्या होगा? बाई बैलेंस CD 5,500, अकाउंट हम यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे।
फिर यहां से कहां आएगा, इधर आएगा टू बैलेंस सीडी 5500। फिर नेक्स्ट अकाउंट किसका है, कृष्णा का अकाउंट है। ये जनरल एंट्री के थ्रू मैंने पोस्टिंग की है, बस मैं आपको यहाँ पे बस अकाउंट बना के दिखा रही हूँ बैलेंसिंग करके। यहाँ पे 5500, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बैलेंसिंग करते हैं 5500, ये भी 5500। फिर क्या होगा टू बैलेंस सीडी 5500 रुपये। फिर ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक में टू बैलेंस बीडी 5500। फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट हमारा अकाउंट है सेल्स का अकाउंट, जिसका पोस्टिंग किया यहाँ पे बाई कैश। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम उसका अकाउंट क्लोज करेंगे 4500। फिर यहाँ पे टू बैलेंस सीडी 4500। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और क्या होगा बाई बैलेंस बीडी 4500। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंसिंग किसका, लेज़र का। हमने यहाँ पे लेज़र में बैलेंसिंग कर दिया, क्योंकि लेज़र में दो काम करते हैं, फर्स्ट क्या होता है पोस्टिंग और सेकंड क्या होता है बैलेंसिंग। तो पोस्टिंग पहले से था यहाँ पे, बैलेंसिंग बाद में हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स मेथड पे अप्लाई करेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे ये सही भी होता है या फिर नहीं, ये बनता भी ऐसा कि नहीं। सबसे पहले हम देखें तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कितना अकाउंट है यहाँ पे, हेड ऑफ अकाउंट के नंबर कितने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेड ऑफ अकाउंट है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले 6 हेड ऑफ अकाउंट लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे हमने सीरियल नंबर उसका डाल दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या डालेंगे, हेड ऑफ अकाउंट यानी कैश है, कैपिटल है, बैंक है, ये सभी हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे क्या, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट हमारा क्या रहा, परचेज अकाउंट, कृष्णा अकाउंट और सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा परचेज, फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, कृष्णा अकाउंट, और उसके बाद सेल्स अकाउंट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे किसका अमाउंट का, लेजर को देख करके। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, कैश ऑफ कैश अकाउंट यानी हेड ऑफ अकाउंट कौन है यहाँ पे, कैश। तो बैलेंसिंग मेथड से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम को बनाएंगे और सेकंड वाले को क्या करेंगे यहाँ पे हम टोटल मेथड से बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि पहले बैलेंसिंग मेथड में क्या करते हैं, हम यहाँ पे बाई बैलेंस या टू बैलेंस बीडी जो भी अमाउंट होता है उसको हम डीआर और सीआर में लिखते हैं, मतलब जिस साइड भी बीडी बैलेंस बीडी है उस साइड हम लिख देंगे। तो कैश अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है वो किस साइड है, वो है लेफ्ट साइड यानी वो है डीआर साइड में, जो कि कितना अमाउंट है 14500। यहाँ पे क्या करेंगे 14500 लिख देंगे हम। फिर नेक्स्ट हम देखें तो हम पहले इस पर भी जा सकते हैं, लेकिन हम पहले इसका भी कर सकते हैं और दोनों को साथ में लेके भी चल सकते हैं, तो हम पहले इसका कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, कैपिटल अकाउंट जिसका बैलेंस बीडी क्या है, तो वो सीआर साइड में है 20,000 रुपीज। यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा 20,000। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा बैंक अकाउंट जिसका बैलेंस बीडी डीआर साइड में है 10,000 रुपये से यहाँ पे बैलेंस बीडी हो रहा है, कितना अमाउंट है 10,000 रुपये। फिर नेक्स्ट आता है परचेज अकाउंट जिसका बैलेंस बीडी है लेफ्ट साइड में 5500 से। उसके बाद आ रहा है हमारा कृष्णा अकाउंट जिसका बैलेंस बीडी है सीआर साइड में 5500 रुपये से। और लास्ट है हमारा सेल्स अकाउंट जिसका बैलेंस बीडी है सीआर साइड में 4500 रुपये।
अब हम देखते हैं कि टोटल मेथड को कैसे हम यहाँ पे पोस्ट करें, उसकी अमाउंट की पोस्टिंग करें यहाँ पे। तो आपको याद होगा मैंने बताया था यहाँ पे कि जो भी अमाउंट यहाँ पे पोस्ट हो रहा है किसमें, लेजर में, उसका योग जो होता है वो हम यहाँ पे डालते हैं। यानी हमें बैलेंस बीडी और सीडी से कोई मतलब नहीं है, जो भी पोस्टिंग अकाउंट में हो रही है कि जिस भी अकाउंट में, कृष्णा, मोहन, सोहन, जिस भी अकाउंट में हो रही है, हमें उसका योग यहाँ पे पोस्ट करना है सी आर और टी आर दोनों में। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो कैश अकाउंट है उसका जो बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या बाई बैंक अकाउंट 10,000, फिर यहाँ पे क्या टू कैपिटल टू सेल्स, बैलेंस बीडी है, पर बैलेंस बीडी और सीडी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसके अकाउंट के योग से मतलब है। यहाँ पे कितना दिख रहा है 10,000 रुपये है, वो किस साइड है, तो वो है हमारा कैश अकाउंट का डी आर सी आर साइड में है 10,000 रुपये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10,000, और डी आर साइड में कितने रुपये आपको दिख रहा है 24,500। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका कैपिटल अकाउंट है उसका अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे बाई कैश यहाँ पे 20,000 रुपये है, फिर बाई बैलेंस सीडी हुआ है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाई कैश का जो अमाउंट है वो यहाँ पे पोस्ट कर देंगे किस साइड, सीआर साइड में। फिर नेक्स्ट हमारा बैंक अकाउंट जिसका पोस्टिंग हुआ है टू कैश, जिसका अमाउंट कितना है 10,000 रुपये। फिर नेक्स्ट हमारा आता है परचेज अकाउंट जिसका अमाउंट कितना है 5,500, जो कि पोस्ट हुआ है सीआर साइड में, डीआर साइड में कितना अमाउंट है 5,500। उसके बाद नेक्स्ट आता है कृष्णा जिसका अमाउंट है बाई परचेज 5,500। फिर आता है लास्ट सेल्स अकाउंट जिसका पोस्टिंग कितना हुआ बाई कैश, बैलेंस सीडी और बीडी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, किसे मतलब हमें बाई कैश से, जिसका अमाउंट कितना है 4,500। अब हम लास्ट यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी अमाउंट है इसका बैलेंसिंग मेथड का और टोटल मेथड का दोनों को जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे डीआर और सीआर इसका बराबर होना चाहिए और बैलेंसिंग मेथड का भी बराबर होना चाहिए। तो अगर बराबर हो गया तो हमारा अकाउंट बिल्कुल सही है, हमने जो भी बनाया है, जो भी पोस्टिंग की है वो सही निकलेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आया यहाँ पे 14,500, 10,000 और 5,500, कितना होगा यहाँ पे 30,000 रुपये। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 20,000 रुपये, 5,500 और 4,500, यहाँ पे कितना हो गया 30,000 रुपये। अब हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या है 24,500, 10,000, 5,500, तो ये कितना हो गया हमारा 40,000 रुपये। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे सी आर साइड जिसका अमाउंट कितना है 30,000, फिर यहाँ पे कितना है 10,000, 40,000। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका और इसका अमाउंट सेम हो गया और इसका अमाउंट सेम हो गया। तो हमारा क्या हो गया, चेक हो गया कि हमने जो भी पोस्टिंग की थी लेजर में वो बिल्कुल सही है, हमारा अकाउंट सही है। तो ये होता है मिक्स मेथड। अगर और भी कोई परेशानी है आपको इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।